आ गया तू टोपी? हाँ मैं तो आ गया, पर तू है कौन पर्दा हटा के? अरे मैं चंपा हूँ। अबे यो चंपा है, यो कहाँ से चंपा हो रहा है यार, ये तो चंपू से। पिछले 25 साल से तुझे एक बात बताने के लिए तड़प रहा था। जल्दी से कान इधर ला ताकि मैं वो राज की बात बता दूं। क्या कह रहा कान में, क्या कह रहा? पता नहीं, वो राज है। चल चल चल, क्या बोल के गया था कान में वो? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अबे थारी अम्मा भी बताएगी, बोल क्या बोल के गया वो? मैडम नहीं बताऊंगा। टोपी मेरे परा, मम्मी जी का गुस्सा बहुत बुरा है यार, जल्दी बता दे तेरे कान में क्या कह के गया वो। नहीं बताऊंगा। अबे थारी टोपी जी, मम्मी जी, एक मिनट, मैं चपेड़ा मार मार के मुंह लाल कर दूंगा बांदर जेहा। जल्दी दस तेरे कान च की कह के गए हो, मैनू नौकरी तो कढ़वाना तेने। दस दे की कहे तेरे कान च। नहीं बताऊंगा। वही तो बता रहा हूँ, मेरे कान में कह के गया नहीं बताऊंगा। वो सारे कान में यो कह के गया है नहीं बताऊंगा, मतलब 25 साल से नहीं बताऊंगा कहने का इंतजार कर रहा था वो। वेल मॉम, मैं कह रहा था ना, हो ना हो मामला है कुछ गड़बड़ इसदा, मैं इतनी देर से नहीं कर रहा हूँ बड़बड़ इसदा। अरे कुछ ना है गड़बड़ मामला, क्लियर बात है ना, पंडित जी तो इसे पहचान गया, भिखारी तो इसे पहचान गया, ना यो चंपा रूपी आदमी तो इसे पहचान गया, बात क्लियर है साफ सीधी। थारा रिलेटिव है ना थारा भाई, तो थारी तरह लीचड़ से, थारी तरह कतई रसिया, कई शादियां करते घूम रहा है, बस बात खत्म हो गई। नहीं मैडम, मैं अपने भाई गोपी की तरह छिछोरा। वेल मतलब मैं ऐसा नहीं हूं मैडम, मैं बेकसूर हूं। अबे तू बेकसूर, तू अगर बेकसूर है तो फिर यो चक्कर के। मैडम राम और श्याम, मैडम किशन करैया, मैडम सीता और गीता। अबे यार यहाँ गुत्थी ना सुलझ रही है, और तैने सनीमा के नाम याद आ रहे हैं। मैडम मैं फिल्मों के नाम नहीं गिनवा रहा हूँ, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई डबल रोल वाला चक्कर हो। हो सकता है मैडम, हो सकता है, ये गलत नहीं कह रहा है मैडम, जैसे फिल्मों में डबल रोल होते हैं मैडम, जुड़वा हो सकता है ये भी जुड़वा वाला केस हो। मैडम मेरे मामा और मामी थे, वो दोनों भी जुड़वा थे। हाय मामा भी और मामी भी ऐसे अबंडेंस में कैसे आ रहे हैं जुड़वा? कंफ्यूजन। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है मैडम, आप बात समझी नहीं। मेरे जो मामा थे वो दो भाई थे, वो जुड़वा थे, जिनकी शादी हुई दो लड़कियों से जो जुड़वा थी, इसलिए मामा भी जुड़वा मामी भी जुड़वा। मेरी बंदूक में गोलियां भी जुड़वा है, और बजन से तू भी जुड़वा, दो में एक हो रहा है। मॉम हो सकता है बिल्लू की बात में सच्चाई हो जी, कहीं उस महिला से। महिला क्यों कह रहे हैं जेठ जी, बहू कहिए ना। और तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, पैर छू ताऊ जी है तेरे। ओके ताऊ जी पहला वो। अरे हट हट, देखो आशीर्वाद नहीं देते। अरे यही आशीर्वाद होता है बड़ों का। खबरदार खबरदार, मुझे ताऊ जी कहा तो। मॉम हो सकता है मेरे भाई टोपी का कोई हो डुप्लीकेट इज द, मुंबई में है, इंडिया गेट इज द है, दिल्ली में। या दिस वन। ना 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 मैडम, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये ही मेरे पति हैं ओरिजिनल वन। और वैसे देखो मैडम ऊपर वाले की लीला, डीएनए रिपोर्ट से तो साबित हो ही गया है कि ये ही मेरे पति हैं, और एक पत्नी होने के नाते मैं भी ये साबित कर सकती हूँ कि ये ही मेरे पति हैं, है ना? वो कैसे,
वो ऐसे मैडम कि मेरे जो पति है ना, इनके बाएं कंधे के आगे तो दिल है हाँ, और उसके पीछे एक मोटा सा तिल है ना। पति वनस्पति है। बस 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 मैडम, अभी इस भरी अदालत में फैसला हो जाएगा कि मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं या मेरे फाजिल दोस्त। सुला दिया मैडम, वकील साहब सोच चुके हैं। शर्ट उतारो, तिल दिखाओ। बिल्लू, अरेस्ट कर इस टोपी ने और झूठ का साथ देने वाले इसके भाई कोपी ने। थैंक यू मैडम, आज आपने एक औरत को उसका हक दिलवाया है, उसके बेटे को उसके बाप का नाम दिलवाया है मैडम। थैंक यू, पति वनस्पति है, अब देखो कैसे बैठे हवालात के अंदर मुंह लटका के। नहीं देखिए, थैंक यू का तो सही है, थैंक यू तो है ही, पर मैं क्या कह रही हूँ, जो यो टोपी की जो बीवी है, यानी कि मैं? नहीं आप तो हैं, आप तो हैं, पर एक और भी था ना, जिसके संग इसने गृहस्थी बसा रखी अपनी कई सालों से, दो बच्चे हैं जो पाल रहा है ना, जिसके साथ जीवन जी रहा है, वो गई हुई है यात्रा पे। अब वो जब आएगी यात्रा पे और जब वो देखेगी कि ओतरी योग के कांड है, तो फिर वो तो इसकी शव यात्रा निकाल देगी और आपकी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। नहीं 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 मैडम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी मुश्किल से मैंने इन्हें पाया है, खुशियों का दिन आया है। देखिए भाभी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके साजन का सत्यानाश, खुशियों का चवनप्राश ना हो, तो मैडम जो कह रही हैं वो बात मान जाओ, और इसी में आपकी भलाई है ये आप जान जाओ। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम का दिमाग घूम गया ना, फिर हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राती लोमड़ी, मेरा मतलब है अटैकिंग मगरमच्छ नहीं, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रही हैं आप? यस, देखिए ऐसा है कि ही इज राइट, ही नोज मी क्वाइट वेल, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाह रही हूँ। यो अपनी बीवी के साथ ही, मतलब जो इसकी है इतने सालों से जिसके संग रह रहा है, उसी के संग इसे रहन दीजिए। आप सुनिए तो सही, आप ले लीजिए अपना हक, आप अपना हक ले लीजिए और चली आइए इसके जीवन से, ताकि आप भी अपना संसार आराम से बसाएं और यो भी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ जिए। देखिए आपके संग कोई ना इंसाफी हो, यो तो मैं कतई ना चाहूंगी, तो ये आप मांग लीजिए, जो आपने मांगना है वो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा, यो हमारी गारंटी है। मैडम मैं क्या मांगूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मैडम, बस मेरे बेटे को उसका हक दिलवा दीजिए। अरे तो मैडम और क्या कह रही है, वो वही तो कह रही है कि मांग लो, जो चाहिए वो मांगो मांगो मांगो, मांगो फ्लेवर। अच्छा मैडम, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पति की पंजाब के नाभा में जो हवेली जैसा एक मकान है, वो मेरे बेटे रजनीकांत के नाम हो जाए, वो करवा दीजिए मैडम। ये बात वेरी गुड, ही बात सुपोज लीजिए, यो करी ना अपना समझदारी की बात है, वो प्रैक्टिकल लाइफ जीनी चाहिए, यो इमोशन वगैरह में ठीक है, बट दिस इज गुड डिसीजन। तो भाई कल चौकी में आना, मैं पेपर बनवा के रखूंगी, सारी जो है पार्टियां, यो टोपी और आप और बेटा जो भी साइन करेंगे, और हवेली कल तुम्हारे बेटे के नाम हो जाएगी।
मैंने किया तुम पे भरोसा इसदा, तुमने मुझे ये परोसा इसदा। गोपी मेरे भाई, मेरा यकीन कर, मैं बेगुनाह हूँ पर्दा हटा के। तेरी पीठ पे मिल गया है तिल इसदा, तूने तोड़ दिया है मेरा दिल इसदा। दिल तो मेरा टूटा है भैया, आपको यूं जेल में बैठे मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपना दिल खोल के आपको दिखा देता कि कितना सम्मान भरा हुआ है मेरे दिल में आपके लिए। भूला। मैंने एक से बढ़कर एक गधे देखे हैं मोहन, लेकिन तेरे सरीखा गधा नहीं देखा मैंने। गधे भी तेरी मिसाल देते हैं जब उन्हें किसी को गधा कहना होता है। हाँ? दो कौड़ी का आदमी है तो सड़क छाप। तुझे तो देख के ही मन करता है कि करो तेरी बेइज्जती। कुछ हुआ था क्या भैया? तूने आज बता दिया है तेरे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। मैं बताना तो नहीं चाहता था भैया, लेकिन अब बता ही दिया तो आप जान ही गए होंगे कि मैं जो बोलता हूँ सिर्फ सच बोलता हूँ भैया। ज्यादा बकवास मत कर। सौ है मैंने पंजाब दी मिट्टी दी, अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं तुझे हैंड पंप की तरह उखाड़ के फेंक दूंगा। भाग यहाँ से। खा, ये भी खा ले। हाँ तो भाई मोहल्ले वालों, ये रहे हवेली के पेपर्स, ओके? और भाई टोपी, ये लो पेपर्स, और बोलो बांके बिहारी लाल की जय, और फटाफट साइन कर दो बेस पे, ये लो। अब अगर हाथ से साइन करो यार, पेन भी हमें ही दें। ये लो करो। अरे क्या देख रहे हो, करो। इनकी वो शानदार हवेली अब तुम्हारे बेटे की हुई। देखो यार, आप लोगों का काम तो हो गया, अब ये पकड़ो पेपर और जो है वो यहां से इत्मीनान से निकल लो। वो क्या है, पंजाब एक्सप्रेस के निकलने का टाइम हो गया, छूट गई तो यहीं रह जाओगे, है कि नहीं? और तो निकल लो। ठीक है। अच्छा पति परमेश्वर प्राणनाथ, अपना रहेगा मेरा लल्ला नाथ, चलती है। अच्छा सुनो, कभी सभागन की याद आए तो बिना सोचे समझे सीधे चले आना मिलने को। कहाँ आ जाइएगा? एड्रेस तो दिया नहीं है आपने अपना, एड्रेस दे दो फिर आएंगे। पहले एड्रेस तक हम खुद तो पहुंच जाएं, फिर भेज देंगे अपना एड्रेस। अच्छा चलती हूँ। ताऊ जी आप भी बहुत अच्छे हैं, पाई लागू ताई जी। अरे ताऊ जी आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद। चलो चलो अभी नहीं मिल गए ना। क्या कर रहा है? नमस्ते नमस्ते अम्मा जी। अब टाटा नहीं करो, अभी आएंगे। अरे मान गया मम्मी तुम्हें, लोमड़ी जैसा दिमाग है तुम्हारा, गली गली शोर है, मम्मी डायनासोर है। मम्मी मम्मी कहना है ना, घर जाके अपनी मॉम को कहियो। आई बात समझ में? पति वनस्पति है। अच्छा अब सुन, अब आगे क्या करना है? अब यहाँ से टैक्सी पकड़ के हम सीधा निकलते हैं स्टेशन, और उसके बाद जाएंगे पंजाब। पति वनस्पति है, और फिर खुराना अंकल के ये कागजात उनको दे देंगे ताकि वो वहाँ पे मॉल बना सके और हम माल कमा सके। हेलो हेलो हेलो, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमारा हिस्सा दिया बिना है? क्यों, अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं डॉक्टर डब्लू डांसर, फ्रीलांसर। अरे सीढ़ी अटक गई, पड़ोसन मटक गई। अब तुम यहाँ? हाँ क्यों, भूल गई आप? और अरे आपके कहने पे ही तो मैंने झूठी डीएनए रिपोर्ट बनाई थी,
तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अरे एक मिनट, मेरा हिस्सा भी तो दो भाई। वाह भाई वाह, सब अपने हिस्से की बात करे जा रहे हो। अरे भाई मेरा हिस्सा कौन देगा? अरे यार तुम लोग यहाँ सब एक साथ कैसे आ गए? मिलेगा ना हिस्सा? भाई ना हम लाए। As baraties, क्योंकि तुम्हारी बारात निकालनी है ना। अबे यो बन गए हैं सरकारी मेहमान। तुम्हें क्या लगा सत्यनारायण की कथा चल रही है कि तुम पंजीरी फांकने को दोगे और हम प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेंगे पुलिस? और हमने जो है तुम दोनों की रिपोर्ट मिस चौटाला को पहले ही दे दी, तो उन्होंने का घोटाला पकड़ा गया। ए बिल्लू सोच क्या रहा है बे? पकड़ो यार अरेस्ट देम। गली गली शोर है, माँ और बेटा दोनों चोर है। एक बात तो बता दो, मेरे भाई ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? ओहो तो हमने अकेले थोड़ी किया है। अरे वो गांव का जमींदार है ना एक, को क्या है उसका नाम, खुराना। अरे उसने हमें सब करवाने के लिए यहाँ भेजा था ताकि उसे हवेली मिल जाए और वो शॉपिंग मॉल बना सके। पति वनस्पति है खुराना। बना दे उसे पुराना कर देते हैं। मॉम वेल थैंक्स मॉम, अगर नहीं होती आप इज्जत तो मेरा भाई खाम खा इसका बन जाता बाप इज्जत। अरे गोपी मारे रहते थारे या थारे भाई या किसी भी परिवार के सदस्य पे कोई ना इंसाफी हो सके है के? अरे बावड़ा है क्या तू? खुशी का मौका है, इमोशनल मत हो। चल जरा इस खुशी के मौके पे सबको ठुमका लगा के दिखा अपना पंजाब स्पेशल। चलो भाई। ओहो क्या बकवास गार्डन है भैया। हाँ शाम के समय गार्डन में आके कुल्फी खाने का ना बहुत जबरदस्त मजा है। इसका मजा और भी बढ़िया हो सकता था अगर कुल्फी के पैसे तूने दिए होते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? फर्क पड़ता है। कर देना भैया फिर आपने कंजूसा वाली बात, एक नंबर के कंजूस हैं आप। मैं कंजूस नहीं हूँ। पापू पापू तो साबित कीजिए। बोल क्या करूँ? एक कुल्फी और खिलाओ। वेल जान को स्यापा पा लिया मैंने अपना, तेरी जान को स्यापा है तू मेरी। चल हंसता 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 फिर से। बकवास गार्डन। यहीं तो बोला था मिलने के लिए। अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई? आ गई। हेलो जी, हेलो, ये देखो मैं आ गया। मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकता था कि हमारी आपकी फ्रेंड बुक पे मुलाकात हुई और तुमने हमें यहाँ बुलाया बकवास गार्डन में। देखो मैं आ गया। ये देखिए, ये देखो, ये मैं आपके लिए लाल गुलाब का फूल लेके आया हूँ। प्लीज अब तो अपना फेस दिखा दीजिए ना, एक बार दिखा दीजिए ना।